मैं सत्यदेव झा निवासी ग्राम पंछा का किसान हूँ और मैं 7.5 एकड़ जमीन जोतता बोता हूँ। पिछले वर्ष मैंने मांगी क्रमांक 3 गुलाला तालाब पर 214 बोरी धान, जिसका वजन 40 किलो प्रति बोरी था, बेचा था। मुझे 15 जनवरी को वो धान ले गया और वहाँ बोरी मिली, उसमें पलट दिया, तौल दिया। सर्वर डाउन होने के कारण रसीद उस दिन हमको नहीं मिली। समिति सेवक ने कहा कि 2-4 दिन में आपको रसीद मिल जाएगी, लेकिन वो रसीद फिर मुझे नहीं मिल पाई। और मैं बराबर आता जाता रहा, कार्रवाई हो रही है, मिल जाएगी रसीद कहते रहे, आश्वासन देते रहे। अंत में 4 जून को वो सारी धान लूट गई और हम लोगों को उसका एक भी पैसा आज तक प्राप्त नहीं हुआ। हम लोगों का रोजी रोटी किसानी से ही चलता है और इस तरह से जब हमारी धान लूट गई तो मैं 4 तारीख को थाना सुहागी में जा करके FIR दर्ज करवाया और उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो SDM तेउथर के यहाँ जा करके अपना ज्ञापन सौंपा और 8-10 दिन के बाद फिर कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन सौंपा, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के साथ मिलकर और किसान यूनियन के साथ मिलकर हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की है। उम्मीद है कि उच्च न्यायालय द्वारा हमें न्याय प्राप्त होगा।